नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। हल्द्वानी में पिछले 17 सालों से लगने वाले शनि बाजार को ठेकेदार के हाथों सौंपने का निर्णय भले ही नगर निगम ने ले लिया हो, लेकिन शनि बाजार व्यापारी और जन उत्थान समिति से जुड़े व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। पिछले 13 जुलाई से धरने पर बैठे व्यापारी पहले ही की तरह नगर निगम से तहबाजारी वसूलने और ठेका निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। दूसरी तरफ नगर निगम अपने फैसले से पीछे नहीं हटने को तैयार है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे व्यापारियों ने पूर्व विधायक नारायण पाल की अगुवाई में नगर निगम की सीढ़ियों में बैठ गए। साथ ही इस दौरान निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। व्यापारियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि नगर निगम की नज़रें गरीबों की आमदनी पर टिकी हुई है, अगर ऐसा नहीं है तो ठेकेदार को 53 लाख का ठेका नहीं दिया जाता। पहले जिस बाजार के लिए गरीब व्यापारियों को 10 से 20 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब ठेकेदार इनसे 200 से 300 रुपए तक वसूलेगा। ऐसे में गरीब व्यापारी जाए तो कहाँ जाए। इधर विरोध प्रदर्शन के बीच नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दो टूक कहा कि निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सनी बाजार का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। यहाँ 40 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का शुल्क वसूला जाएगा। ये टेंडर निगम ने पूरे नियम कायदों को ध्यान में रखकर लिया है, ऐसे में निर्णय को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। नगर आयुक्त ने कहा कि विरोध करना कुछ व्यापारियों का निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन शनि बाजार के निर्णय को अब नगर निगम किसी भी सूरत में वापस नहीं लेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 13 तारीख से धरना हमारा चल रहा है। पहले हफ्ते बाजार में चल रहा था, वहाँ से हमें बल द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया और हम आगे बुद्ध पार्क में धरना चलने के बाद आज 14-15 दिन होने जा रहे, एक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुँचा, एक कर्मचारी हमारे पास नहीं पहुंचा, ना हमारे पास मेयर साहब पहुंचे कि जाके भाई तुम उठो, जैसा कुछ होगा आपके विषय में हम बात करेंगे और आपका अनुशासन तो देते कम से कम। ठेका निरस्त करने की वाली बात तो अलग थी, लेकिन एक व्यापारी को अनुशासन मिल जाए उससे बहुत वो आशा होती है कि हमारे साथ आए। अधिक तेबाजारी की पर्ची 10-20 रुपये की घटती थी, गरीब लोग हैं, अब इन्होंने 250 कर दी, कहाँ से लाएंगे ये। और जो वहाँ मकान वाले लोग हैं उन्हें भी पैसा देना होता, वो भी गरीब लोग हैं, जब ये उसके सामने अपना फल लगाते हैं तो वो उनके भी भाई दुकान वकान बंद हो जाती है। तो थोड़ा म्यूचुअल सब कुछ चल रहा था, पहले चोरगेले रोड पे लगाते थे, उसके बाद इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये नगर निगम वाले हैं, इनके गरीबों के पैसे गिनने हैं कि इनके पैसे गिनो और इनसे ले लो पैसे। अब मेरे ख्याल से 63 लाख का ठेका दे दिया है, तो 63 लाख का अब पुलिस को ले आ रहे हैं वहाँ, कभी वो किराए के टट्टू वो पता नहीं कहाँ से उठा लाया, वो 2-3 दुकान वाले वो कोई बेच रहा था वो सामान, एक भी ग्राहक नहीं था, पुलिस ही आसपास खड़ी थी, तो मैंने कहा पुलिस वाले ही ना छीन ले इससे सामान। बात करी जाए नगर का, तो सनी बाजार का कोई कर्मचारी नहीं है। दूसरा, सनी बाजार की लगभग 3 एकड़ लैंड नजूल की है, नगर निगम के प्रबंधन में है। 2005 से लेकर 2022 तक जिस दिन हमने टेंडर खोला है उस समय तक पर मंथ 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी नगर पालिका, तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम को हो रही थी। हमारा अनुमान उसमें 25 लाख रुपया न्यूनतम का था 19 महीने के लिए, हमने न्यूनतम उसको करके टेंडर किया, 53 लाख रुपये में टेंडर उठा है और हमारा अनुमान है कि ठेकेदार भी उससे अधिक आमदनी उसको होगी, क्योंकि अभी वहाँ 20 रुपया लिया जाता था। साप्ताहिक बाजार का हमारा जो बाइलाज बना हुआ है 2019 में, उसमें 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये रेट हैं, सामग्री के हिसाब से जिसका दुकान होगा उस हिसाब से रेट लगेगा। टेंडर हो चुका है, कुछ लोग व्यापारी विरोध कर रहे हैं, व्यापार विरोध करना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कार्रवाई पूरी नियमानुसार की गई है, कार्रवाई से नगर निगम पीछे नहीं हटेगा। व्यापारियों से अपील है कि जो व्यापार करना चाहते हैं वो नगर निगम की शर्तों पर वहाँ पर आएँ, उनको पूरी सुरक्षा और सुविधाएँ दी जाएंगी।